क्या ये फिल्म सिर्फ सिनेमाज में लगेगी या और भी इसके आउटलेट्स हैं? जी जी सिनेमाज पर लगेगी, नहीं उसके पास OTT प्लेटफॉर्म भी हैं और उधर भी जा सकती है, लेकिन पहले सिनेमाज में लगेगी। फिर उसके बाद टीवी पे राइट्स दिए जाते हैं, सेटेलाइट से अलग होते हैं, फिर OTT राइट्स। तो ये है, फिल्म कभी नहीं मरती, फिल्म जिंदा रहती है हमेशा। बाकी फिल्म के हवाले से जो वाकयात हुए बड़े दिलचस्प हुए, और एक वाकया जो उनके साथ हुआ बड़ा अच्छा हुआ, आदि के साथ हुए, उनका गेटअप बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, गेटअप आर्टिस्ट थे फयाज भाई, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त यानी खतरनाक ऐसा हुआ कि लोग देख के आदि को देखते भी नहीं थे, हम डर के मारे। अच्छा, तो ये और वो जो वाकया सुनाइए जो आपको साथ हुआ था। बताए ना, ऐसा हुआ था कि मैं गेटअप जो मेरा गेटअप फयाज भाई ने किया था वो बहुत बहुत हॉरर था, और उसके अंदर ये होता था कि मेरे दोनों होंठ जो है वो ऊपर वाला होंठ ऊपर और नीचे वाला होंठ नीचे चिपका दिया जाता था। अच्छा, जिससे एक अलग से मुंह की एक अलग जाविया बच जाता था, तो उसकी वजह से मैं कुछ खा पी नहीं सकता था उस दौरान जब तक मेरा गेटअप होता था। तो रात में हम शूट उमूमन रात में शूट हुई हमारी, तो रात में हम ये सब खाना छाना खा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं खा सकता, तो मैंने अपने एंट्री लगाए, अपने गाने लगाए और मैं झूले पर बैठ गया एक फार्म हाउस पर। सो थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक लड़का मेरे सामने ना तड़प रहा है। सो मैंने कहा इसे क्या हुआ अचानक से, और ये मैं भूल गया कि मेरा चेहरा जो है वो बहुत डरावना हुआ है, और मैं उसको ये बताना चाहा कि मैं ये गेटअप है, तो लेकिन क्योंकि मेरे होंठ चिपके थे तो मैं उसको कहता कि नो गेटअप है। उसे समझ उसको लगा कि कोई और जबान है कोई कुछ है। वो जितना मैं उसे करीब जा रहा था वो उतना खौफ ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं अंदर से हमारे लोग आए, उन्होंने उसको संभाला, लेकिन मुझे बस ये खौफ था कि मेरी वजह से उसको कुछ हो ना। वो एक दिन जो है वकार ने ये वाला गेटअप किया हुआ था जिसमें होंठ चिपके हुए थे, तो दो तीन बंदों ने इनका रूट कनाल भी कर दिया था। आसानी थी उसमें, तो हमें बड़ा डर लगता था। मैं तो इनको कहता था मेरे पास ना आए, वो कुछ और भी वजह थी, क्योंकि ये खातून बने हुए थे मुझे अच्छे लगते थे उसमें, तो मैं कहता मेरे पास ना आए, डर भी लग रहा है और प्यार भी हो सकता है।